ये सभासद है, ये कभी देख लीजिए बाद में सर भरी है, अभी नया वाले में आप करा दीजिए। हाँ है आपको कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार बहुत गंभीर है और किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। लेकिन आप अगर बात करना चाहेंगे, आमतौर से दो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं का आप जिक्र करेंगे, एक बुलंदशहर की बात करेंगे, तो बुलंदशहर में जो भी दंगा हुआ है उसके लिए माननीय योगी जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि दो दिन में एसआईटी के जरिए इसकी जांच का हम पर्दाफाश कर देंगे और इसके पीछे जो लोग भी हैं वो सामने आ जाएंगे, लेकिन जो क्षति हुई है उसके लिए हमें भी दर्द है। ऐसा नहीं है, हम सरकार हैं, जो क्षति खासकर जनहानि जो हुई है उस हानि को लेकर हम लोग खुद बहुत दुखी हैं। लेकिन इस तरह के इसके पीछे कौन शक्तियां थीं, कौन लोगों ने इस तरह का काम किया था, हम उनको लेकर एसआईटी बैठा चुके हैं। आदरणीय योगी जी ने एसआईटी बैठा दी है और जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी वो आपके सामने मीडिया के सामने रख दी जाएगी। कौन लोग हमारे, हम तो कार्य कर रहे हैं, विकास कार्य तो पहली बार देश और प्रदेशों में हो रहा है भाजपा की सरकारों के जरिए। अभी तक तो भ्रष्टाचार होता था, गुंडाराज होता था, तो जब विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं है, आप हमारे ऊपर कौन सा आरोप लगा सकते हैं? कोई भी चीज अगर आप बता दीजिए 4.5 साल की सरकार में आदरणीय मोदी जी पर और या उत्तर प्रदेश की 1.5 साल की सरकार में योगी जी पर, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। हम लोगों ने बिल्कुल निष्पक्षता से काम किया।